हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज माइंडट्री अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट लेकर के हम इन्वेस्टरों के सामने आने वाली थी, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि माइंडट्री में आज दिन भर तेजी बनी हुई थी और ये क्लोजिंग होते होते 4743 रुपीज पर क्लोजिंग दिया है। और जैसा कि दोस्तों हम लोग BSE के वेबसाइट में देख रहे हैं कि इसके जो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आए हैं वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। ये तकरीबन 4 बजे शाम को आते हुए हम लोग देख रहे हैं, तो इसके रिजल्ट पर मार्केट प्रतिक्रिया कल दे पाएगा जब मार्केट खुलेगा तब। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम लोग अपने स्तर पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि माइंडट्री के जो रिजल्ट आए हैं वो कैसे देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, मैं इस संबंध में आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोगों ने माइंडट्री के क्वार्टर थ्री रिजल्ट एनालिसिस किए थे, प्री रिजल्ट एनालिसिस, जिसमें कि हम लोगों ने एस्टिमेट लगाए थे कि माइंडट्री के जो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट रहेंगे वो काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल सकते हैं। तो अब दोस्तों, चूंकि ये रिजल्ट लेकर के आ चुकी है, तो हम लोग फटाफट इसके जो की हाइलाइट्स हैं माइंडट्री के रिजल्ट के, उसको हम लोग समझते हैं। और जैसा कि सभी IT कंपनियां लगातार ये कमेंट्री कर रही थी, बोल रही थी कि इनके ऑर्डर बुक काफ़ी तगड़े हैं, डबल डिजिट में इनके ग्रोथ देखने को मिल सकते हैं, नए नए क्लाइंट ऐड हो रहे हैं, तो इन सारी बातों को हम लोग अपनी स्तर पर चेक करके ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इसके रिजल्ट कैसे रहे, इसके रिजल्ट में कौन सी अच्छाइयाँ हैं और कौन सी बुराइयाँ हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए दोस्तों हम लोग फटाफट जो इनके क्लाइंट एडिशन है उस पर फटाफट बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्लाइंट ऐड किया कि नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि इनके जो 1 मिलियन प्लस क्लाइंट्स थे वो इनके क्वार्टर थ्री FY21 में 120 थे, वो क्वार्टर टू FY22 में बढ़ करके 127 हो गए, और क्वार्टर थ्री आते आते ये बढ़ करके 136 हो गए। तो यहाँ पर इनके क्लाइंट एडिशन देखने को मिल रहे हैं। वहीं 5 मिलियन प्लस क्लाइंट की बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सिक्वेंशियली ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यानी कि इन्होंने नए क्लाइंट ऐड किए हैं। वहीं पर 10 मिलियन प्लस रिवेन्यू वाले क्लाइंट की बात करें तो वो 30 से बढ़ करके 33 हो गया है, तो यहाँ पर भी 3 क्लाइंट का एडिशन हुआ है। वहीं पर 20 मिलियन प्लस रिवेन्यू वाले क्लाइंट की बात करें तो वो 8 से बढ़ करके 9 हो गए हैं, और बाकी 50 मिलियन और 100 मिलियन के जो क्लाइंट्स है वो पहले 1-1 थे और अभी भी एक ही है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग कुल मिलाकर के बोल सकते हैं दोस्तों कि माइंडट्री के नए क्लाइंट ऐड होते हुए हम लोगों ने देखे हैं। जैसा कि मैनेजमेंट लगातार कमेंट्री में बता रहा था कि नए नए क्लाइंट मिल रहे हैं, ऑर्डर बुक इनके तगड़े हो रहे हैं, तो ऐसा हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इसको अच्छा मान करके चल। अब अगर हम लोग इसके रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके रेवेन्यू में 6.3% का सिक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पर हम लोग बात करें दोस्तों ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की, तो ये 35.9% देखने को मिला है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। वहीं पर इनके पैट की बात करें तो पैट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 9.7% से हम लोग बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और बात करें दोस्तों ईयर ऑन ईयर के, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पैट 34% से बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस माइंडट्री ने दिखाया है। न केवल इन्होंने क्लाइंट एडिशन किए हैं बल्कि इनके रिवेन्यू और नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे ढंग से हम लोग बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अब हम लोग इसके मार्जिन को भी देख लेते हैं कि मार्जिन इनके इम्प्रूव हुए या नहीं हुए। तो प्रॉफिट मार्जिन की बात करें दोस्तों तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्वार्टर थ्री में इन्होंने तकरीबन 15.9% का मार्जिन रिपोर्ट किया है, जो कि सेकेंड क्वार्टर में 15.4% हुआ करता था। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनके मार्जिन थोड़े इम्प्रूव होते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम लोग देख रहे हैं कि इनके मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों, मार्जिन हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम लोग माइंडट्री के केस में देख रहे हैं कि
इनके रेवेन्यू में बहुत ही जबरदस्त उछाल आया है, प्रॉफिट में भी बहुत ही जबरदस्त उछाल आया है, और नए नए क्लाइंट भी ऐड किए हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। और दोस्तों इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों जिसको मैं आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इसने जो Q3 के रिजल्ट प्रस्तुत किए हैं, इसमें 9 मंथ के भी रिजल्ट हैं, उसको भी हम लोग एक बार अपने स्तर से चेक करते हैं, और उस जो मेन पॉइंट जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों 9 मंथ में अगर माइंडट्री के रेवेन्यू की बात करें तो ये 7,845 करोड़ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर FY21 में इनके फुल ईयर रेवेन्यू की बात करें तो ये 8,120 करोड़ देखने को मिल रहा है। अब आते हैं दोस्तों सेम पीरियड में नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो 9 मंथ में इनके टोटल नेट प्रॉफिट कितने हो गए दोस्तों, तो ये हो गए 1,180 करोड़। वहीं पर इनके एनुअल बेसिस में FY21 में जो टोटल नेट प्रॉफिट थे वो तकरीबन 1,110 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि 9 मंथ पीरियड में ही इनके जो नेट प्रॉफिट है लास्ट ईयर के फुल ईयर के नेट प्रॉफिट को सरपास कर चुकी है। तो मेरे हिसाब से ये काफी स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस दिखा दिया है माइंडट्री ने। इसने 9 मंथ पीरियड में ही उतने प्रॉफिट ले आए हैं जो कि पिछले साल ये पूरे साल भर में लाए थे। तो मेरे हिसाब से माइंडट्री के रिजल्ट को मैं थम्सअप देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके जो प्राइस है वो किस तरह से घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं, तो इस संबंध में मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि मार्केट इसके रिजल्ट पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया देगा, इसे पॉजिटिव लेगा या निगेटिव लेगा, ये तो कल ही हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन मेरी राय पूछी जाए तो मेरे हिसाब से इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिले हैं, और मार्केट कुछ भी प्रतिक्रिया दे मैं इस स्टॉक को बाई करके चलना चाहूंगा इस लेवल पर, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये स्टॉक इन स्तरों से काफी ऊपर जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसके Q3 के रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपके भी पोर्टफोलियो में माइंडट्री के शेयर होंगे, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करके बताओगे कि आपने किस प्राइस पर खरीदा है, और आपको क्या लगता है कि माइंडट्री का शेयर इन स्तरों से अगले 1 साल में कहाँ पर जाकर के ट्रेड कर सकता है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।